देश भर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न जगह पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर परिधि गृह कुल्लू में कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष शेष राम आजाद की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पौधारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जो माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे, ये जो पुण्यतिथियां मना रहे हैं सद्भावना के दिवस पे पूरे भारत वर्ष में, तो इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और 21 मई 1991 को एक जो बड़ी एक अजीब घटना घटी थी, किसी महिला ने इनको जो माला दी थी उसमें जो बम था, मानव बम, इसमें इनकी मृत्यु हुई थी। ये बेसिकली पायलट थे, ये राजनीति में नहीं थे। इनके जो छोटा भाई संजय गांधी थे, 1980 में उनकी डेथ हुई, 1981 में इनको सक्रिय राजनीति में लाया और उसके बाद 1984 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उग्रवादियों ने हत्या कर दी, उनके अंगरक्षक ने, उसके बाद इनको जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और 1985 में उन्होंने जो पहला इलेक्शन लड़ा अमेठी से लोकसभा का, तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते वो। आज ये सद्भावना दिवस इसलिए मनाया जाता क्योंकि राजीव गांधी एक बहुत साधारण आदमी थे, बहुत एक डाउन टू अर्थ थे। इन्होंने पूरे भारतवर्ष में संचार क्रांति लाई, कंप्यूटराइजेशन लाई, तो इनको क्रांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता। और सबसे बड़ी बात है, जो पंचायती राज में दूसरे जो साम्राज्य हैं, पंचायती राज साम्राज्य, उनमें 33% जो महिलाओं को भागीदारी मिली वो इनकी देन थी। उसके बाद जो वोट देने का अधिकार 21 वर्ष का था, तो 18 वर्ष इन्होंने उसकी की है। तो इनको एक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता पूरे हिंदुस्तान में। और एक ये ऐसे व्यक्ति थे, आपने देखा होगा एक उल्लेख था जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो कभी उनको प्रॉब्लम हुई थी, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम किडनी की, तो इन्हें कहीं मालूम हुआ ऐसी बात है, तो इन्होंने उनको एक USA में डेप्यूटेशन जाना था, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी इस जो विदेश यात्रा है इसका जो प्रतिनिधिमंडल आप करेंगे। वाजपेयी जी वहाँ गए और उन्होंने पहले ही वहाँ जो फॉरेन का अच्छा हॉस्पिटल था उसमें उनके इलाज की व्यवस्था कर रखी थी, तो इनमें इस तरह की कोई बदले की भावना नहीं थी, तभी इनको आज ये सद्भावना के दिवस में मनाया जाता। और हम सब लोगों को, ना केवल कांग्रेस के लोगों को, समस्त लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के ऐसे महान पुरुष की, और जो एक क्रांतिकारी नेता थे, जो पंचायती राज साम्राज्य के लिए उन्होंने सुदृढ़ किया, महिलाओं को उन्होंने 33% रिजर्वेशन दी और युवाओं को जो है वोट देने का अधिकार 18 वर्ष किया, जिसका मुफाद अभी तक नौजवान जा रहा है। मनाली वाले मनाली में बना रहे, बंजार वाले बंजार में, और आनी वाले आनी में। जिला स्तर पर हमने ये जो सद्भावना दिवस बनाया है, हम सब लोग प्रण लेते हैं कि हम जो राजीव गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे, क्योंकि उनको संचार क्रांति का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये चीज़ें उन्होंने पूरे भारतवर्ष में चलाई थी, जिसका आज लाखों युवाओं को इसका फ़ायदा मिल रहा है देश में और विदेश।